वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन पे जो लेक्चर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम ब्रीफली रेगुलेटरी बॉडीज़ जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं पाकिस्तान में, SECP और ICAF, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में। फिर कंपनी एक्ट 2017 के सिलसिले में जो ब्रीफ रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। IFRS जो हैं वो कितने हैं, कैसे इशू हुए, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री पर बात करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान में जो IFRS का एडॉप्शन प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन फोर पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले जो रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें जो सबसे मेन बॉडी हमारे पास है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी के SECP। SECP बेसिकली इस्टेब्लिश हुई है एक लॉ के अंडर, तो इसके लिए यानी ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। SECP एक्ट है 1997 का, उसके मुताबिक, और ये ऑपरेशनल हुई थी 1999 से। इससे पहले पाकिस्तान में कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी एक अथॉरिटी थी जो बेसिकली कंपनीज को, स्टॉक मार्केट्स को, कैपिटल मार्केट्स को और कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करती थी। तो उसको रिप्लेस किया SECP ने, इस कमीशन ने, और SECP जो है वो अब सिंस देन पाकिस्तान में जो है वो कॉरपोरेट और कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका जो मिशन, इसकी वेबसाइट पर मेंशन है, SECP की वेबसाइट पर, कि SECP का मिशन क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं, वो मेंशन है कि टू डेवलप अ फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सबसे मेन काम है इनका। एंड मिटिगेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एम्ड एट फॉस्टरिंग ग्रोथ ऑफ अ रोबस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ब्रॉड बेस्ड कैपिटल मार्केट इन पाकिस्तान। तो बेसिकली SECP का मेन मिशन ही ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, अच्छी प्रैक्टिस पर हो, ताकि इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाया जा सके, मार्केट का जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कॉरपोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के थ्रू ग्रोथ जो है वो इनिशिएट की जा सके। तो SECP का इस सारे, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉड रोल है SECP का कॉरपोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के अंदर, तो इस रोल के अंदर उनका ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है या पार्ट ऑफ द फंक्शन है कि उन्होंने अकाउंटिंग रूल्स भी डिसाइड करने होते हैं कि जो कंपनीज फॉलो करेंगे, और कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हीं अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनानी हैं जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं और SECP ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए हैं। यानी ऑटोमेटिकली हर स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं हो जाता। पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग का, वो तब अप्लाई होगा जब SECP ऑफिशियल गजट में बाय नोटिफिकेशन उसको अप्रूव करेगी और नोटिफाई करेगी कि जी कंपनीज ने इनको फॉलो करना है, और इसके अलावा जो रूल्स हैं कंपनीज एक्ट 2017 के वो सिलसिले में फॉलो किए जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में ICAF का रोल क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है, जो कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करने की बॉडी है। तो ICAF जो है ये एक अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नोटिफिकेशन रेकमेंड करने होते हैं, ये रेकमेंडेशन देते हैं, तो SECP उसकी बेसिस पर फैसला करती है कि उसको नोटिफाई करें या ना करें। मोस्टली ऑब्वियसली क्योंकि इन बॉडीज के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक अच्छा रिलेशन है, तो जो मिलकर ये काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो रेकमेंडेशन जाती हैं उस प्रोसेस के अंदर SECP उसको जो है वो नोटिफाई कर ही देती है। लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो नोटिफाई करना है या नहीं करना, वो SECP है। ICAF का काम उसमें रेकमेंडेशन देना है। SECP के पास ये चॉइस है कि वो उस रेकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन एज सच हमेशा ही रेकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी जो दोनों प्रोफेशनल बॉडीज हैं ये आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही होती हैं। कंपनीज एक्ट 2017 के बारे में अब देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसमें बहुत सारे अपेंडिसेस हैं, जैसे बिल्कुल एंड में रिपोर्ट्स के एंड में अपेंडिक्स या अपेंडिक्स लगा हुआ होता है, तो वो उस तरीके से एनेक्जर्स हैं जिनको नाम दिया गया है शेड्यूल्स का।
जैसे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वगैरह के फॉर्मेट्स हैं, सेकंड शेड्यूल में कुछ स्टेटमेंट व्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी तरीके से जो मेन शेड्यूल अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं उसमें से एक है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक कंपनीज को बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज लार्ज है, साइज मीडियम है, स्मॉल है, या वो कंपनी कमर्शियल या नॉन प्रॉफिट है, तो वो बेसिकली डिफाइन किया हुआ है कि इस बेसिस पर जो है वो कंपनी को कैसे क्लासिफाई करना है। फिर इसमें ये भी स्पेसिफाई किया गया कि कौन सी कंपनीज जो है वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो करेंगी, और उन्हें फोर्थ शेड्यूल फॉलो करना है या फिफ्थ शेड्यूल। बेसिकली उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि लिस्टेड कंपनीज जो हैं और उनकी जो सब्सिडरीज हैं वो फोर्थ शेड्यूल फॉलो करती हैं। तो फोर्थ शेड्यूल के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं वो लिस्टेड कंपनीज पर भी अप्लाई होती है और उनकी सब्सिडरीज पर भी अप्लाई होती है। और इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं यानी कि नॉन लिस्टेड कंपनी, उन पे फिफ्थ शेड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी। अब IFRS की जो हमने बात की कि SECP उनको नोटिफाई करता है और फिर जो है वो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, अप्लाई करने होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो IFRS बेसिकली बनाए गए थे इसलिए कि कंपेरेबिलिटी अचीव हो अक्रॉस द वर्ल्ड। जो है वो एक ऐसे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो की जाए जो हार्मोनाइजिंग हो, जो एक जैसे हो, ताकि जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हो वो फेथफुल रिप्रेजेंट भी करे और कंपेरेबल भी हो, और उसकी बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा क्विक और बेहतर और एफिशिएंसी के साथ डिसीजंस कर सकें। अब जब हम बात करते हैं कि IFRS में क्या क्या शामिल है, तो IFRS में बेसिकली 25 तो IS हैं जिसे हम IS 1 से IS 41 कहते हैं। 2001 तक जो स्टैंडर्ड्स इशू हुए उनको इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने। बाद में जो ये सेम बॉडी का जो है कह लें कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो IST की जगह ISB ने ले लिया था, और उन्होंने पुराने स्टैंडर्ड्स और इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो जो पुराने IS 1 से 41, वैसे तो 41 बनते हैं लेकिन बीच में कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बाद में रिप्लेस हो गए, जैसे IS 3 खत्म हो गया, 4, 5 हो गया, IS 1 और 2 अभी भी है एंड सो ऑन। तो 25 एक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, 5 इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी जो प्रीवियस बॉडी में स्ट्रक्चर में काम करती थी टिल 2001 इशू हुई। वैसे तो ये 1 से लेकर 32 तक इशू हुई थी लेकिन उसमें से एक्टिव 5। फिर 16 IFRS हैं जो न्यू बोर्ड ने, यानी ये 2001 के बाद इशू होने वाले स्टैंडर्ड हैं जिनका टाइटल IFRS 1, 2, 3 इस तरीके से। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए, प्रीवियस वालों को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इनको इन्होंने इशू किया। और इसी तरह 15 एक्टिव इंटरप्रिटेशन हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने इशू की। तो जिस तरह से पुराना था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी और न्यू है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, पुरानी थी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी और न्यू है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो IFRS जो हैं वो किसी भी कंट्री में तब तक अप्लाई नहीं किए जा सकते जब तक उनका जो नेशनल रेगुलेटर हैं वो फॉलो ना करें। जैसे पाकिस्तान में नेशनल रेगुलेटर्स कौन है? मेनली SECP और ICAP भी उनके को रेकमेंड करता है। तो ऑल ज्यूरिडिक्शन हैव सम काइंड ऑफ फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस विच इज फॉलोड बिफोर IFRS कैन बी अप्लाइड इन दैट ज्यूरिडिक्शन। तो वो जाहिर बात है कि हर जो कंट्री है वो ये कंसिडर करता है कि IFRS की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी कंट्री में इसके अप्लाई करने से कंपनीज पर इफेक्ट क्या होगा, और फिर उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो एक IFRS को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस वक्त अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशंस हैं तो उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। ये वो 25 IS हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं, IS 1 और 2 शामिल हैं लेकिन 3, 4, 5, 6 ये रिप्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें जो IS 39 है ये भी अभी यानी कुछ इफेक्टिव डेट के हिसाब से कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट हैज बीन रिप्लेस बाय IFRS 9। फिर इस वक्त जो 5 एक्टिव इंटरप्रिटेशन हैं पुराने वाली 2001 से पहले वाली, वो SIC 7, 10, 25, 29 और 32 हैं। और फिर IFRS जो हैं वो 16 एक्टिव हैं क्योंकि जो IFRS 4 था उसको IFRS 17 ने रिप्लेस कर दिया था। ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये लिस्ट पूरी है, सिर्फ यहाँ पर 4 नहीं है। तो 4 रिप्लेस हो गया था बाय IFRS 17। पाकिस्तान में
IFRS 1 और IFRS 17, ये दो ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो अभी तक एडॉप्ट नहीं किए, बाकी सारे स्टैंडर्ड पाकिस्तान में एडॉप्ट हुए हैं। फिर जो इंटरप्रिटेशन हैं, 15 इंटरप्रिटेशन जो एक्टिव हैं 2001 के बाद से इशू होने वाली, वो भी 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19 से लेके 23 तक ये भी शामिल हैं। तो ये एक प्रॉपर लिस्ट है कि जी ये टोटल वो डॉक्यूमेंट्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कवर करते हैं, तो हम स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में IFRS 1 और 17 की कंप्लायंस जो है वो नहीं ज़रूरी उसकी। IFRS 1 इनफैक्ट फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का है, और पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का इशू पाकिस्तानी कंपनीज के लिए अराइज ही नहीं होता, इसलिए ये पाकिस्तान में एक किस्म का इररेलीवेंट स्टैंडर्ड बन जाता है। दूसरा जो IFRS 17 है वो क्योंकि निस्बतन रिसेंटली इशू हुआ था और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है, तो एक स्पेशल कह लें कि स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री है जिससे कनेक्ट करता है, तो उस सिलसिले में प्रोबेबली अभी काम जारी होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको कंसीडर कर रहा होगा, और जैसे ही फाइनलाइज होगा तो फिर वो फैसला कर लेंगे कि इसे फाइनलाइज करना है या नहीं करना। जनरली पाकिस्तान जो है वो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वो तमाम स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लेता है सूनर और लेटर। एडॉप्शन प्रोसेस फॉर IFRS इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कोई भी जो एक स्टैंडर्ड इशू हो जाता है इंटरनेशनली पब्लिश हो जाता है बाय IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उसकी एडॉप्शन के सर्टन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि ICAP का एक बोर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो उस स्टैंडर्ड को कंसीडर करता है कि जी कोई इशू जो उसकी अडॉप्शन पे अराइज हों, कि अगर उसे पाकिस्तान में अप्लाई करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसकी पाकिस्तान में अडॉप्शन या इम्प्लीमेंटेशन कैसे फैसिलिटेट की जा सकती है, कंपनीज को टाइम लिमिट कैसे दी जाए, उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस किस तरीके से करवाए जाएं अगर कोई डिफिकल्ट या कम्प्लेक्स नेचर की ट्रीटमेंट आ जाती है। फिर ट्रांजिशन पीरियड कब होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज जो पुरानी ट्रीटमेंट कर रही हैं वो न्यू ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट कैसे करेंगी, क्या इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान के लॉ एंड रेगुलेशंस के अंदर भी कोई चेंज रिक्वायर्ड होगा, अगर ऐसा हो तो ये मैटर फिर जो है वो डील करती हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ICAP, SACP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेलिवेंट हो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी फिर एज अ रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाता है, और ये मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं रेगुलेशंस के अंदर अगर कोई चेंज हो, रूल्स में कोई चेंज करना हो तो वो भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब सारे इशू सेटिस्फैक्ट्री रिजॉल्व हो जाते हैं तो जो बोर्ड है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और ICAP की काउंसिल जो कि मेन टॉप बॉडी है ICAP में, वो इस मैटर ऑफ एडॉप्शन को रिकंसीडर करते हैं। उसके बाद जो ICAP रेकमेंड करता है एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड को SACP को बाय डिसीजन ऑफ काउंसिल, यानी काउंसिल में वोटिंग होती है, अगर वो मेजॉरिटी अप्रूव कर देती है तो SACP को रिकमेंडेशन भेज दी जाती है। अब ये फैसला कि इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है या नहीं करना, वो फैसला SACP का होता है। जब SACP नोटिफिकेशन इशू कर देता है ऑफिशियल गजट में, तो वो IFRS पाकिस्तान में अडॉप्ट हो जाते हैं यानी पाकिस्तान के अंदर अप्लाई हो जाते हैं, और जब कोई स्टैंडर्ड नोटिफाइड हो जाता है तो उन स्टैंडर्ड्स की वैसी ही अथॉरिटी है जैसे लॉ की अथॉरिटी है, तो उसको पाकिस्तान में फिर फॉलो करना कंपनीज के लिए लाजमी हो जाता है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इन पाकिस्तान पर। नेक्स्ट हम जो है ऑब्वियसली इसके अंदर पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड उन्हें फॉलो करने होते हैं, कौन सा शेड्यूल उन्हें फॉलो करना होता है कंपनीज एक्ट का, और फिर उसके बाद हम फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो IFRS की रिक्वायरमेंट हैं और जो IS1 की रिक्वायरमेंट हैं स्पेसिफिकली, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हम सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करेंगे जो लॉ के अंदर रेलिवेंट हैं और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इन पाकिस्तान में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कंपनीज की क्लासिफिकेशन है ये क्या क्या हैं, इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है इस क्लासिफिकेशन करने की, यानी डिफरेंट क्लासिफिकेशन में जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, और उस क्लासिफिकेशन के लिए कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने होंगे उस पर बात करेंगे। फिर जो बेसिकली फोर क्लासिफिकेशन हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, और उस पर फिर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और शेड्यूल कौन सा है, तो वो चारों डिस्कस करेंगे, यानी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी एंड स्मॉल साइज कंपनी। तो इन पांचों पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं।
तो कंपनीज एक्ट के अंदर बेसिकली इस पे थर्ड शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, और उसमें जो है फोर क्लासिफिकेशन डिफाइन हुई है: पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लार्ज साइज कंपनी, मीडियम साइज कंपनी और स्मॉल साइज कंपनी। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासिफिकेशन दो चीजें डिटरमिन करती है। नंबर वन, एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, के जो कंपनी होगी वो क्या IFRS को फॉलो करेगी, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs को फॉलो करेगी, या एक और है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज, तो उनको अप्लाई करेगी। और एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी अप्लाई होंगी, यानी उस पर फोर्थ शेड्यूल अप्लाई होगा या फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होगा, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जनरली ज्यादा हैं और फिफ्थ शेड्यूल की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो निस्बतन कम हैं। की पॉइंट्स ये हैं कि जो क्लासिफिकेशन होगी वो बेस करेगी प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि बात हो रही होगी कि अगर कंपनी का रेवेन्यू इतना है, अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल इतना है, तो वो पेड अप कैपिटल और रेवेन्यू या टर्नओवर देखा जाएगा लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे। क्या किसी कंपनी की क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती है? वो तब चेंज हो सकती है अगर वो प्रीवियस क्राइटेरिया में फॉर टू कंसेक्यूटिव ईयर फॉल ना कर रही, तो क्लासिफिकेशन तब चेंज होगी अगर जो प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर टू कंसेक्यूटिव ईयर्स जो है वो रेलिवेंट ना रहे, तो उसकी वजह से क्लासिफिकेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकती है। कई जगह पे हम जब क्राइटेरिया देखेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लाइज की बात भी हो रही है, तो नंबर ऑफ एम्प्लाइज की जब भी बात हो रही होगी तो उसका मतलब होगा एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर मंथ के एंड पर देखेंगे कि उस मंथ में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, तो वो सारे 12 फिगर्स हर मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक या जुलाई से लेकर जून तक जो भी टाइम है, और उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाइज आ जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाइज उस क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे तो अकॉर्डिंगली कंपनी की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का मतलब क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का एक मतलब तो है कि लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी समझी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उसका रेवेन्यू कितना है, कोई क्राइटेरिया नहीं, लिस्टेड है तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। इनको IFRS फॉलो करने होंगे और लिस्टेड वाली कंपनी को फोर शेड्यूल। लेकिन लिस्टेड के अलावा नॉन लिस्टेड कंपनीज भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हो सकती हैं, और उसमें सिक्स क्राइटेरिया है: पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट की का कंट्रोल और शेयर होल्डिंग्स होती हैं। पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है या जैसे सुई गैस की कंपनीज हैं, जैसे बाबडा या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं, इस तरीके की कंपनीज। नंबर थ्री, होल्डिंग एसेट्स इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, तो बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, सिक्योरिटीज ब्रोकर डीलर हो गए, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये वो लोग होते हैं जो ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर यानी जनरल पब्लिक के बिहाफ पर उनके पैसे इनके पास होते हैं, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाएंगे। फिर है ऑल कंपनीज इंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर, ये लास्ट ईयर में ये ऐड किया गया इसको कि जो शुगर कंपनीज हैं वो भी ज्यादा डिस्क्लोजर दें और उसके लिए जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट फॉलो करें, तो उनको भी अब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी बना दिया गया है। हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स एज मे बी नोटिफाइड, तो जो नोटिफिकेशन में दिया जाए, जाहिर बात है अगर कंपनीज के ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, ज्यादा मेंबर्स होंगे, तो उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन बेहतर होने की जरूरत है, इसलिए फिर वो IFRS फॉलो करेंगे। और लास्ट वन है होल्डिंग एसेट एक्सीडिंग सच वैल्यू, तो ये एसेट की वैल्यूएशन की बेस पर होगी, एज मे बी नोटिफाइड, ऑब्वियसली ये SECP नोटिफाई करेगा कि जी जिन कंपनीज के एसेट्स इतनी वैल्यू से ज्यादा के हैं वो IFRS फॉलो करें, यानी उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी समझा जाएगा। तो इसमें से लिस्टेड कंपनी हो या नॉन लिस्टेड हो, IFRS फॉलो करने, लिस्टेड होगी तो फोर्थ शेड्यूल फॉलो करेंगे, और लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरीज भी आगे ये फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है,
और फिफ्थ शेड्यूल होगा तो वो नॉन लिस्टेड कंपनीज जो होंगी उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल होगा। तो शेड्यूल का फर्क है लेकिन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है वो दोनों में सेम है। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज साइज कंपनी। लार्ज साइज कंपनी का क्राइटेरिया ये है कि या तो ऐसी नॉन लिस्टेड कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या उससे ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर यानी रेवेन्यू 1 बिलियन या उससे ज्यादा हो, जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 750 से ज्यादा, या फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में सिंपली एक क्राइटेरिया टर्नओवर का 1 बिलियन और मोर, या नॉन लिस्टेड कंपनी जो लाइसेंस फॉर्म्ड हो अंडर सेक्शन 42 जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, और अंडर सेक्शन 45 जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होती है। तो इनके लिए क्राइटेरिया यह है कि इनका रेवेन्यू और अदर इनकम सब मिलाकर 200 मिलियन से अबव हो तो फिर ये लार्ज साइज कंपनीज कहलाएंगी। अब इसमें से जो कमर्शियल कंपनीज हैं चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, वो IFRS फॉलो करेंगी, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट हैं जो सेक्शन 42-45 वाली हैं तो वो IFRS भी फॉलो करेंगी, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs ये एक स्टैंडर्ड है जो ICAP ने इशू किया हुआ है, इसको भी फॉलो करेंगी। और इन पर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी क्योंकि ये नॉन लिस्टेड कंपनीज है सारी, तो इन पर फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होगा। मीडियम साइज कंपनी की तरफ चलते हैं। तो ऐसी नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका कैपिटल 200 से कम हो, टर्नओवर 1 बिलियन से कम हो, और एम्प्लॉइज जो हैं वो 250 से ज्यादा हों लेकिन 750 से कम, तो वो मीडियम साइज कंपनी में आएंगी। प्राइवेट कंपनी जिनका कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा हो लेकिन 200 मिलियन से ज्यादा ना हो, और टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा हो लेकिन 1 बिलियन से ज्यादा ना हो, क्योंकि 1 बिलियन से ज्यादा होगा तो फिर ये लार्ज में चली जाएंगी, और एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा हो लेकिन 750 से कम। तो और फॉरेन कंपनीज में क्या है कि जिनका 1 बिलियन से कम रेवेन्यू, क्योंकि 1 बिलियन से ज्यादा होगा तो लार्ज में चली जाएंगी ये। फिर वही नॉन लिस्टेड कंपनी वगैरह जिनका रेवेन्यू लेस देन 200 मिलियन, क्योंकि अबव 200 मिलियन हो तो फिर कहां चली, कहां क्लासिफाई हो जाएगी, वो फिर लार्ज में क्लासिफाई हो जाएगी। तो इनके लिए IFRS इन पर अप्लाई नहीं होते। अब ये इंटरेस्टिंग है कि मीडियम साइज कंपनी के ऊपर IFRS अप्लाई नहीं होते। एक और स्टैंडर्ड हैं जो ICAP ने इशू किए हैं, रिवाइज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज, ये अप्लाई होंगे, और अगर जो वो नॉट फॉर प्रॉफिट है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs को फॉलो करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो ये फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करती हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एंड में हमारे पास है जी स्मॉल साइज कंपनी। तो स्मॉल साइज कंपनी का रूल ये है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक हो, टर्नओवर 100 मिलियन से एक्सीड ना करता हो, और एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये क्राइटेरिया इससे ऊपर चले जाएं तो फिर हम देखते हैं कि वो मीडियम के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। तो इनके लिए सिंपल सी रिक्वायरमेंट ये है कि ये रिवाइज AFRS फॉर SSEs ही फॉलो करेंगे, और इन पर फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। सो ये जो है हमारी थर्ड शेड्यूल की क्लासिफिकेशन हैं, और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट मेंशन है, तो ये पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एक किस्म की समरी है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए। अब जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमें फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इन पाकिस्तान के टॉपिक में फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, और आज जो हम रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली इसमें 12 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, और बेसिकली जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्थ शेड्यूल रिलेट करता है उन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से जो लिस्टेड कंपनीज और उनकी सब्सिडरीज ने फॉलो करनी होती हैं, बाकी सारी कंपनीज फिफ्थ शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो जो हम रिक्वायरमेंट्स यहां पर देख रहे हैं वो इन रूटीन ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो कि फोर्थ शेड्यूल में भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है और फिफ्थ शेड्यूल में भी रिक्वायर्ड है, यानी अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनीज दोनों को करना है। लेकिन जहां पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये फोर्थ शेड्यूल ओनली है, वहां पे फिर सिर्फ फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है,
और बाकी कंपनीज जो होती हैं नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कम है। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जरूर हैं जहां पर फोर्थ शेड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड किया गया है, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो फोर्थ शेड्यूल से एक्स्ट्रा डिमांड की गई हो। तो वन बाय वन इन 12 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा जाके डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये जस्ट सिंपल डिस्क्लोजर हैं और हम इसकी प्रैक्टिकल एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू आपको एग्जांपल्स भी दे रहे होंगे ताकि इन केस आपको ऐसा ही डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में अगर एग्जाम में बनाना पड़े तो आपके पास एक आइडिया हो कि वो डिस्क्लोजर कैसा होता है। बट आपको थोड़ा टाइम इस पर लगाना पड़ेगा कि इन डिस्क्लोजर्स को डिटेल में देखें कि ये डिस्क्लोजर्स किस तरीके से बने हुए हैं, और क्योंकि सिंपली वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी वो आप अकॉर्डिंगली इसी स्टाइल में तकरीबन जैसे एनुअल रिपोर्ट की हम कुछ स्पेसिमेन देखेंगे उसके मुताबिक ही आप उसको एग्जाम में भी प्रेजेंट कर देंगे। तो स्टेप वाइज इन जो पॉइंट्स हैं इनकी तरफ चलते हैं। फोर्थ शेड्यूल जो है वो रिक्वायर ये करता है कि तमाम लिस्टेड कंपनीज और उनकी जो सब्सिडरी ना वो फोर्थ शेड्यूल तो फॉलो करेंगी ही करेंगी, वो IFRS भी फॉलो करेंगी। ये बात थर्ड शेड्यूल के अंदर भी मेंशन थी। फिर फिफ्थ शेड्यूल जो है वो ये कहता है कि जो तमाम बाकी कंपनीज हैं वो एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करेंगी। एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IFRS भी हो सकता है और AFRS जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज वगैरह वो भी हो सकते हैं। लार्ज साइज होगा तो IFRS अप्लाई होगा वरना AFRS अप्लाई होंगे। ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल में हैं ये एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं, बाकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होंगी IFRS की या AFRS जो स्टैंडर्ड हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO की वो भी अप्लाई करनी होंगी और ये वाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उनसे एडिशनल है, यानी एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में नहीं है। टिपिकली ये डिस्क्लोजर जो है वो नोट्स में आप देंगे अनलेस के अदरवाइज रिक्वायर्ड हो, और एडिशनल डिस्क्लोजर भी जहां आप समझते हैं कि जरूरी है तो यानी फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल ये मना नहीं कर रहे कि इसके अलावा चीजों का डिस्क्लोजर नहीं देना, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जहां ये नेसेसरी हो कि एडिशनल और भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़े जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि डिस्क्लोजर जो है वो मिसलीडिंग ना रहे तो वो एडिशनल डिस्क्लोजर भी आप देंगे। ये नहीं है कि हम ये समझें कि जो फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। आपने IFRS वाले डिस्क्लोजर भी देने, फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल वाले डिस्क्लोजर भी देने, और इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन को मजीद बेहतर प्रेजेंट करने के लिए ताकि वो मिसलीडिंग ना रहे, ट्रू एंड फेयर व्यू हो, उसके लिए कोई और डिस्क्लोजर भी देना चाहते हैं तो वो भी देंगे। अब टिपिकली एक जो हम एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं FFC की 2020 की, तो एक बेसिस ऑफ प्रिपरेशन का डिस्क्लोजर दिया जाता है जिसे स्टेटमेंट ऑफ जिसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में बाकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। तो इसमें देखें इन्होंने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं उनके मुताबिक बनाई गई हैं। उसमें क्या क्या शामिल है, IFRS एज नोटिफाइड अंडर द कंपनी एक्ट और प्रोविजंस एंड डायरेक्टिव इशूड अंडर द कंपनी एक्ट। और फिर ये भी पॉइंट क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जहां पे कंपनीज एक्ट और स्टैंडर्ड के अंदर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो इन दैट सिचुएशन कंपनीज एक्ट के जो डायरेक्टिव हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो लॉ और स्टैंडर्ड के अंदर कंफ्लिक्ट की सूरत में ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम लॉ फॉलो करते हैं। तो ये एक तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और उसकी जो डिस्क्लोजर की अंडरस्टैंडिंग है वो थी। एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ज्योग्राफिकल लोकेशन का। इसमें फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट इंक्लूडिंग मिल्स एंड प्लांट वगैरह बताना है। फिफ्थ शेड्यूल में ज्योग्राफिकल लोकेशन तो रिक्वायर्ड है लेकिन एड्रेसेस नहीं पूछे हुए। तो जो डिफरेंस है यहां पर वो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि फोर्थ शेड्यूल के अंदर एड्रेसेस एक्स्ट्रा डिमांड किए गए हैं। FFC की एनुअल रिपोर्ट से एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां पे जो बिजनेस यूनिट्स हैं और उनकी ग्राफिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी बताई गई है। तो ये डिस्क्लोजर जो है आपको देना होता है और बाकी एंटिटी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। पर्टिकुलर्स ऑफ इमूवेबल फिक्स्ड एसेट देने होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने लोकेशन भी बतानी है और एरिया ऑफ लैंड भी बताना है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ फोर्थ शेड्यूल की है यानी लिस्टेड कंपनीज के लिए, फिफ्थ शेड्यूल में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो FFC की एनुअल रिपोर्ट से हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोकेशन, यूजेज, एरिया ये सब बताया हुआ है। हालांकि यूजेज जो है वो
रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, लेकिन अब उन्होंने ये समझा कि ये बताना यूजर्स के लिए बेहतर रहेगा, तो उन्होंने वो एक एडिशनल यूजेज का कॉलम भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में आपने जो इंडस्ट्रियल यूनिट जब होता है तो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर कोई शॉर्ट फॉल हो यानी प्रोडक्शन जो हुई है वो नॉर्मल कैपेसिटी से डिजाइन कैपेसिटी से कम हुई है तो वो फिर रीजन बताई जाती है। तो ये एक हम FFT की एनुअल रिपोर्ट से ही देखते हैं कि इनकी डिज़ाइन कैपेसिटी और आगे जो प्रोडक्शन बताई हुई है, और क्योंकि हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है डिज़ाइन कैपेसिटी से, तो फिर इस वजह से कोई शॉर्टफॉल नहीं है, तो उसकी रीज़न बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें डिस्क्लोजर ये बताना होता है कि एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे 31 दिसंबर 2020 है तो उस पर जो आपके एम्प्लॉइज थे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे और ईयर एंड पर कितने थे। तो FFT का ही एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं, देखें एंड ऑफ ईयर भी बताया हुआ और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर भी बताया। फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताना होता है, जिसमें एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज और अंडरटेकिंग उनके साथ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, कॉमन डायरेक्टरशिप क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग उनके साथ क्या है। तो इसमें भी हम FFT की एनुअल रिपोर्ट से एक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। ये देखें कि बताया हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है कंपनी उसके साथ होल्डिंग कंपनी का रिलेशनशिप है, बाकी के साथ कॉमन डायरेक्टरशिप है। तो ये आपने डिस्क्लोज करने होते हैं, नेम्स बताने होते हैं एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टीज के। रिलेटेड पार्टी क्योंकि ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर एसोसिएटेड कंपनीज भी शामिल हो जाती हैं। फिर फॉरेन रिलेटेड पार्टीज यानी जो आउटसाइड पाकिस्तान है उनसे रिलेटेड भी डिस्क्लोजर देने होते हैं, जिसमें नेम ऑफ अंडरटेकिंग कि कौन सी कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ कंट्री ऑफ ऑपरेशन क्या है, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है। तो इसमें से जो लास्ट टू रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ फोर शेड्यूल में है, और यानी फोर शेड्यूल के अंदर तो ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट होंगी, आप ये जो तीनों डिस्क्लोजर हैं वो देंगे, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर सिर्फ आपको पहला डिस्क्लोजर देना होगा यानी नेम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना होगा। तो FFC के अंदर हम ये एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं ये तीनों बातें, क्योंकि यहाँ पर FFC जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, ये फोर शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो इन्होंने तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्लोज किया हुआ है। क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सिर्फ फोर शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जनरल नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज बतानी होती हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज से मुराद ये है कि जो बैंक की तरफ से आपको ऐसा क्रेडिट अवेलेबल है जो अभी आपने ईयर एंड पर यूटिलाइज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल बैंक की तरफ से आपको ये अप्रूव हुआ है आपका लोन लेकिन आप उसको फिलहाल यूज नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली ऐसी क्रेडिट फैसिलिटीज कहलाती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो फैसिलिटीज आप अवेलेबल क्या हैं और ट्रेड क्रेडिट के अलावा, और जो नहीं अवेल हुई एट द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो बतानी है, तो FFC की ही हम एक एक्सट्रैक्ट इस सिलसिले में देख लेते हैं। तो सिंपली आप अमाउंट बता देते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी और दूसरे टर्म डिपॉजिट वगैरह के अगेंस्ट आपको क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, करंट ईयर की भी और कंपैरेटिव में लास्ट ईयर की फिगर भी बता देते हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग क्योंकि लिस्टेड कंपनीज करती हैं तो ये सिर्फ फोर शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी ने जब शेयर इशू किए होते हैं, चाहे वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग हो, तो कंपनी ने शेयर इशू करके उसको किसी प्रोजेक्ट पर लगाना होता है, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स हैं यानी शेयर इशू करने से जो पैसे आए थे उसकी क्या स्टेटस है, वो किस में से कितना आपने यूटिलाइज कर लिया, उसकी डिटेल बतानी होती है। तो यहाँ पर हम एक पैंथर टायर्स लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है 2021 की, इनकी एनुअल रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट्स देखते हैं। तो पैंथर टायर्स ने सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि जो उन्होंने शेयर इशू किए थे IPO के थ्रू वो किस लिए किए थे, तो वो उन्होंने किए थे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि उनको फंड कितने रिक्वायर्ड हैं और उसमें वो कितना एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर्स की वो ये है कि कितना एक्सपेंडिचर उसमें से यूटिलाइज हो चुका है। नेक्स्ट है लोन्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट, लेकिन सारे लोन एडवांस और इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट और लोन और एडवांसेस जो फॉरेन कंपनीज को दिए हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें उस कंपनी का नाम, उसकी जुरिसडिक्शन कौन से कंट्री में, बेनिफिशियल ऑनर, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह बतानी है। इसमें से जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो दोनों शेड्यूल में है, लेकिन नेक्स्ट जो 7 रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ 4 शेड्यूल का हिस्सा है,
जिसमें बेनिफिशियल ऑनर के नाम और एड्रेस, अमाउंट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न जैसे डिविडेंड वगैरह या इंटरेस्ट आपको क्या मिला है, डिटेल ऑफ लिटिगेशन अगर कोई चल रही हो, कोई अमाउंट डिफॉल्ट हुई हो या डिस्पोजल किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो उस पर गेन या लॉस जो हुआ है। तो ये भी हम एफएफसी की एनुअल रिपोर्ट से एक एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। इसमें देखेंगे ये सारे डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड थे वो यहां पर गिवन है। फिर फॉरेन ट्रेड डेट से रिलेटेड डिस्क्लोजर है, ये भी फोर्थ शेड्यूल में सिर्फ रिक्वायर्ड है। और इसमें यह है कि जब आप एक्सपोर्ट सेल्स करते हैं तो उन आउटस्टैंडिंग ट्रेड डेट्स यानी फॉरेन ट्रेड डेट्स जो आपके हैं, फॉरेन करेंसी में ट्रेड डेट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपने ये डिस्क्लोजर देने हैं। कौन से? कि नेम ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी, अगर वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो तो। ये देखें रिलेटेड पार्टी होगी तो डिस्क्लोजर देना, वरना नहीं देना। और नेम ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टीज और उनके साथ कोई रिलेशनशिप और डिफॉल्ट की अमाउंट। तो ये एक बाटा पाकिस्तान लिमिटेड का 2018 की एनुअल रिपोर्ट से हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स के अंदर कितनी अमाउंट ऐसी है जो एक उनकी रिलेटेड पार्टी से रिलेट करती है, और ड्यूरिंग द ईयर कितनी एक्सपोर्ट की थी। अब यहाँ पे क्योंकि कोई डिफॉल्ट वगैरह वाला सिनेरियो नहीं होगा तो उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि जब डिफॉल्ट नहीं हुआ तो डिफॉल्टिंग पार्टीज का नाम भी ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है। फिर शरिया कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, ये भी सिर्फ फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज और ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इस्लामिक इंडेक्स में लिस्टेड हैं तो वो अपनी सर्टन डिस्क्लोजर देंगी। फॉर एग्जाम्पल वो इस्लामिक मोड में कितना लोन लिया हुआ है, बैंक डिपॉजिट कैसे रखे हुए हैं, प्रॉफिट जो अर्न किया है उसकी अमाउंट क्या है, रेवेन्यू कितना अर्न किया है, गेन और लॉस डिविडेंड वगैरह से कितना आया, एक्सचेंज गेन मार्कअप, शरिया कंप्लायंट बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं यानी उनके साथ कितनी परसेंटेज डील कर रहे हैं, और प्रॉफिट अर्न और इंटरेस्ट पेड टू एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक अलगादी ट्रैक्टर्स लिमिटेड जो कि एक शरिया कंप्लायंट कंपनी है, तो उसके 2020 के जो एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो इसमें देखें इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस भी दिए हुए हैं, उसके बारे में जो फर्दर डिस्क्लोजर दें कि उनमें कितना प्रॉफिट का रेट रहा है, वो सारी डिटेल भी बताई हुई है। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ शेड्यूल को, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सिर्फ फोर्थ शेड्यूल से रिलेट कर रही हैं, और बाकी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल दोनों में कॉमन है। तो इन से रिलेटेड जब कोई इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाते हुए नजर आए तो उसको आपने अपने डिस्क्लोजर्स में लाजमी ऐड कर लेना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।